अरे ये पैंट का बक्कल लग का ही नहीं रहा है। लगता है हमारी पैंट छोटी हो गई। नहीं नहीं, लगता हमारा पेट बड़ा हो गया है। हमारे पिताजी कहा करते हैं कि चाहे घमंड हो या पेट, कभी नहीं बढ़ना चाहिए। तो ठीक है फिलहाल हम ऐसा करते हैं कि बीना को बोलते हैं कि बकल थोड़ा शिफ्ट कर लें, है ना। पैंट तो पहननी। लग गया लग गया भाई। यस ध्यान से देख लो कि नींबू के अचार में काका पड़ता है, ताकि कल को शादी करके ससुराल जाओगी तो कोई दिक्कत ना आए। तो क्या नींबू का अचार बनाने के लिए ससुराल जाना पड़ता है? अयो दादा, शादी करोगी, घर गृहस्थी बसाओगी तो घर के काम काज भी तो करने पड़ेंगे ना। अरे बिना, हमारी सारी पेंट एकदम टाइट हो गई है, बहुत मुश्किल से हम ये पेंट का बकल लगाए हैं। अयो दादा, आप इस उम्र में बढ़ रहे हैं क्या? पढ़ रहे हैं पापा? आप क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ नहीं रहे हैं पापा, बढ़ रहे हैं। अरे हम नहीं बढ़ रहे हैं, हमारा पेट बढ़ रहा है। देखो कितना मुश्किल से हम ये पैंट का बकल लगाए हैं। अरे तो इसमें दिक्कत वाली कौन सी बात है, दूसरी पैंट पहन लीजिए ना। अरे सारी पैंट का एक साइज है तो सबका एक ही हाल है। तुम एक काम करो ना, दिन भर में शाम तक हमारी सारी पैंटों का जो हुक है ना, थोड़ा थोड़ा ऐसा पहले लगा दो तो आसान से थोड़ा फिट हो जाएगा। बहुत मुश्किल से हम अपना पेट अपनी पैंट में एडजस्ट किए हैं। बिना पहले ही बताइए कि ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे। देखो भाई, ब्रेकफास्ट में तो हम तुम्हारे हाथ का आलू का परोठा, मसालेदार छोले और पनीर टिक्का खाइएगा। यस। तो कहाँ जाएगा भाई? हमारा तो मानना है जो कुछ भी खाओ उसी तो पेट में जाता है। आयो दादा, इस उम्र में इतना तेल मसाला खाएंगे तो पेट नहीं बढ़ेगा तो क्या नाक बढ़ेगी? आयो दादा, अक्षय कुमार को देखिए, 50 के ऊपर का हो गया है लेकिन अभी भी एकदम तंदुरुस्त और 40 के आसपास का दिखता है। देखो बाबा, आप हैंडसम तो हो लेकिन अगर आप अभी मेंटेन नहीं करोगे ना तो अक्षय कुमार की उम्र में आलोकनाथ लगने लगोगे। आयो दादा, सच बात सुन के पानी पानी मत होइए, बल्कि 2 बाल्टी पानी ले आइए, हमको नींबू का अचार बनाने के लिए नींबू धोना है। 2 बाल्टी पानी? हाँ तो इस उम्र में अब आप भारी चीजें उठाओगे तो आपकी कमर में दर्द होगा ना। अयो दादा, कल आपको बॉस के घर जाना है ना। हाँ, वो इम्पोर्टेंट फाइल दिखानी है बॉस को। अरे तो अपने बाल का ही नहीं रंग लेते, सारी सफेदी दिख रही है। खुद ही को कर स्मार्ट इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी स्मार्टनेस का सीक्रेट क्या है। आईना तो हम रोज देखते हैं लेकिन आज उम्र कुछ ज्यादा लग रही है। कोई बात नहीं, पिताजी कहा करते हैं जब तू जागे तभी सवेरा। अब हम पूरे जोश के साथ ऐसा परिवर्तन लाएंगे, ऐसा काया पलट कर देंगे कि देखने वाले देखते रह जाएंगे, भौचक्के रह जाएंगे। ठीक है, ये गॉगल चश्मा तो कमाल लग रहा है, हैं? जैसे ये चश्मा आदमी की उम्र कम दिखाता है वैसे ही ये चश्मा, ये देखो, कम से कम 5 साल उम्र ज्यादा दिखा रहा है। अब समझ में आया, सबसे पहले तो इस चश्मे की छुट्टी, फट, चश्मा आउट एंड गॉगल इन। हा, कहाँ है हमारा फोन? आप बनारस ऑप्टिशियन? अरे हम आनंद माथुर बोल रहे हैं, आपको याद है हमारा +1.75 आपने चश्मा बनाया था? हाँ वही वही वही। तो हमको वो कॉन्टैक्ट लेंस बनाते हैं ना, वो बनाना है, बना सकते हैं? दोनों आँख का? हाँ अच्छा अच्छा, वैसे ही बनता ठीक है। तो ये बना के आप हमारे ऑफिस में आज भिजवा सकते हैं अर्जेंट में, पैसे हम आपको वहीं दे देंगे। हाँ
हमको अपनी उम्र 10 साल कम करने के लिए 3 चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। 1, अपने कपड़ों का स्टाइल। 2, अपने बालों का स्टाइल। 3, सिक्स पैक बॉडी, ऋतिक रोशन जैसी। हाँ, तो अब बालों पे लग जाते हैं। ये वाला पार्लर। हेलो, डेयर टू हेयर ब्यूटी पार्लर सलून। हाँ, सुनिए, हम आनंद माथुर बोल रहे हैं। हाँ, वही मूछ वाले। हमको ना थोड़ा बाल का हेयर स्टाइल बदलना है, तो आप अपना कोई ब्रोशर, कोई पैम्फलेट वगैरह हमारे ऑफिस में भिजवा सकते हैं। हम एक बार देख लेंगे तो फिर आके करवा लेंगे शाम को। ठीक है, थैंक यू। नहीं 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 नहीं, गजनी वाला हेयर स्टाइल नहीं चाहिए हमको। अरे भाई, इतना छोटा छोटा बाल होगा, सब बार बार तो हमको सफेदी दिख जाएगा, कलर करना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो नहीं। नहीं नहीं, वो भी नहीं। वो देखो, ये जो दूसरा वाला, वो है ना जिस सर खोपड़ी पे जो यूपी का नक्शा बनाया, हमको वो भी नहीं चाहिए भाई। हमको देखो, ज्यादा लाउड कुछ नहीं चाहिए। ये तीसरा वाला है ना, हाँ, ये बड़ा साधारण ठीक ठाक है ना। हाँ, ये तीसरा ना, तो आज कर देंगे क्या? अच्छा ठीक है, कितने बजे? 5:30। ठीक है, बराबर बराबर हमको जमेगा। जमेगा, बढ़िया। थैंक यू। चलो भाई, बालों का तो ठीक ठाक हो गया है, कपड़ों के लिए तो लगता है हमको किसी मॉल वॉल जाना पड़ेगा। हाँ बीना, बोलो। ए जी, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। प्याज का दाम गिर गया क्या? हाँ, अयोध्या नहीं, फिर इतना काहे उछल रही हो? अरे आप सुनिएगा ना, तो आप भी उछलिएगा। तो उछलने के बाद सुनाइए, सुनने से पहले उछल जाएं। अयोध्या, पहले खबर सुन लीजिए, फिर दिन भर उछलते रहिएगा। वो कहा है ना, आज हम जिंदगी में पहली बार अपनी मेहनत से 5,000 रुपए कमाए हैं। 5,000 रुपए? सच? हाँ। अरे ये कैसे हुआ? अरे वो कहा है ना, हम जो अचार बनाए थे ना, बगल वाले बनिया को बहुत पसंद आया। हाँ? 20 किलो अचार का ऑर्डर दे गया है, 5,000 रुपए नकद एडवांस में। हाँ। अरे कमाल हो गया। अरे तुमको तो कोई ना कोई सरप्राइज गिफ्ट मिलना चाहिए। अयोध्या, गिफ्ट तो आपको हमारी तरफ से मिलेगा, हमारी मेहनत की पहली कमाई से। हाँ। अरे तो ठीक है, चलो आज शाम को हम जल्दी नहीं आएंगे, हम थोड़ा लेट आएंगे, हम ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं। अयोध्या, तुम्हारे पापा ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं? इनके दिमाग का भी दुर्व्यवहार। पापा अभी तक नहीं आए। बेटा, तुम्हारे पापा हमको फोन पे बताए थे कि उनको आने में थोड़ी देर हो जाएगी। पर मम्मी, मीनाक्षी दीदी और राधिका दीदी, वो कहाँ से? अरे वो दोनों बिचारी हमारी अचार बनाने में ना मदद करते करते थक गई थी, तो सो गई हैं। वो सब तो ठीक है मम्मा, लेकिन अब फिर भी डैडी से एक बार कॉल करके पूछ लीजिए कि वो पहुंचेंगे कब तक। ठीक है, करते हैं। अयोध्या, ये लड़की ना एक दिन हमारी जान ही निकाल लेगी। हाँ, मारी भी। मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार, मैं फैन हुई उनकी, मेरे सैया सुपरस्टार। आप तो ऐसे ना थे। अरे अब हम ऐसे ही रहेंगे परमानेंट। अच्छे लग रहे हैं ना है? बापू, आप तो एकदम टंच लग रहे से। यही सुनना चाहते थे हम। छोटी। हाँ पापा, मैंने जंगल बुक में मोगली के एक फ्रेंड का बिल्कुल ऐसा ही हेयरस्टाइल देखा था। हाँ जी।
डैडी आप तो बिल्कुल ऋतिक रोशन जैसे लग रहे हैं। बस सिक्स पैक्स की कमी है ना। अरे सिक्स पैक्स क्या, हम सेवन पैकेट्स लाए हैं। पांच हमारी बेटियों के लिए, एक हमारे लिए और बीना के लिए एकदम ब्यूटीफुल पहनने का साड़ी। आयो दादा कपड़े दिखाइए ना अपने। ऐसे नहीं, अरे हम पूरा पहन के दिखाएंगे। दो मिनट रुको, हम यूं गए और यूं एक घंटे में लौट कर आए। एक घंटा? पापा और कितनी देर, पापा और कितनी देर, पापा और कितनी देर, पापा अयो दादा ए जी और कितनी देर। हाँ। बस अभी आया। आ रहे 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 आ रहे। आप तो बिल्कुल शाहरुख खान लग रहे हैं। बस एक हाथ में गिटार होता ना तो ऐसा लगता सीधे डीडीएलजे से निकलकर राज मल्होत्रा आ रहा है। सच में जवान दिख रहे हैं ना। दिख रहे हैं पर है नहीं। क्या हुआ, मतलब तैयार होने में कोई मिस्टेक तो नहीं हो गया ना? नहीं, आप तो बिल्कुल लाल टमाटर लगे। मतलब किस हिसाब से? बाहर निकले हुए पेट पर लाल टी शर्ट बिल्कुल टमाटर जैसे और ऊपर से ये गोल्डन चोच। जैसे भी हो हम ये साबित कर देंगे कि हम किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं हैं। बॉडी बनाने के लिए किसको फोन करें? मसल जरा बन। हमारे ऑफिस में वो सिकंदर है, उसकी बॉडी बहुत अच्छी है, जूनियर भी है, बात मानेगा। हेलो। हेलो जी सर। दरअसल हमारा एक निजी काम है सिकंदर। करोगे क्या? प्लीज सर। क्या है कि हमको अगर तुम्हारी जैसी बॉडी बनानी हो तो हमको क्या करना चाहिए? चलती ट्रक के नीचे मतलब पीछे 5-7 किलोमीटर दौड़ पड़े क्या तो हो जाएगा? नहीं नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे घर पर जिम की सारी सुविधाएं हैं। आप तो बस कल से ही घर आ जाइए और जिम स्टार्ट कर दीजिए, मैं आपको सब बता दूंगा। अरे वाह सिकंदर, अरे तुम तो मुकद्दर का सिकंदर निकले। ठीक है सर, मैं आपका इंतजार करूंगा। करो करो, हम कर रहे। अब तो तू गया, अब शुरू होगा कल से जिम के कुरुक्षेत्र में हमारा खुद से महाभारत। महाभारत हम आ गए। अरे हमने कहा था ना कि ठीक 6 बजे हम तुम्हें दरवाजे के बाहर मिलेंगे, आ गए। पर अभी तो 5 बजे हैं सर। है? अरे हम रात भर इतने एक्साइटेड थे ना कि सो ही नहीं पाए, तो सुबह बस
तैयार हुए और आ गए ब्रश करके। लेकिन कोई बात नहीं, तुम एक बार फिर से जाओ और खराटे मारो, हम यूं गए और एक घंटे बाद वापस आ जाएंगे, ठीक है? चलो सर, कोई बात नहीं, अब आप आ गए हैं तो हम जल्दी शुरू कर देते हैं। थोड़ा आप वार्म अप कीजिए, मैं आता हूँ। हाँ, ये वार्म अप तो आता है उनका। ठीक है। ऐसे ही आप 5 मिनट वार्म अप कीजिए। हाँ, हाँ, हाँ। और 5-5 के 4 सेट पुशअप लगाइए। हाँ। मैं फ्रेश होके आता हूँ। हाँ, हाँ। दादा, ये कहाँ चले गए? घबराओ मत, हम घर छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं, हम तो सिर्फ एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। अभी तक 5-5 के 4 सेट पुशअप नहीं हुए सर। अरे 5-5 के? अरे हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम 25-25 के 4 मार दिए। क्या हुआ? अरे पुशअप तो हमने मारा है, तुम क्यों थक के बैठ गए? सर पहली बारी में इतना नहीं करना चाहिए। तो कितना करना चाहिए? सर प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ नहीं हो सकती है भाई, सब कुछ नहीं हो। तुम हमको बस थोड़ा अभी वजन वाला एक्सरसाइज बताओ, हमको पेट अंदर करना है भाई, हमको फटाफट पतला होना है। आइए जरा हाथ देना। क्या हुआ? अब वो पुशअप मारो तो घुटने में प्रेशर आता है ना। घुटने में? इसको बात नहीं करो, ठीक है चलो चलो। ये अरे तो ऊंट के मुंह में जीरा है। इतने छोटे डम्बल, नहीं थोड़ा थोड़ा बड़ा वाला दो ना, थोड़ा भारी। 50 के ऊपर का हो गया है लेकिन अभी भी एकदम तंदुरुस्त, 40 के आसपास का दिखता है। ये थोड़ा हल्का लग रहा है, सबसे भारी वाला दो। सर शुरू शुरू में इतना भारी उठाएंगे तो ठीक नहीं रहेगा। अरे ऑफिस में सीनियर कौन है, हम या तुम? सर आप। हाँ तो दो। सर रहने दीजिए। अरे ये हमारे हाथों में ताकत क्यों नहीं है, इसे अटक काए गए हैं। सर मैंने आपको पहले ही बोला था, पहली बारी में इतना वेट नहीं उठाते, पर आप मेरी बात माने ही नहीं। अरे क्या करें, हमको अपना पेट अंदर करना है, हमको 6-पैक बनाना है और हमारे पास टाइम नहीं है। वो सब तो ठीक है, अब आपको ये सब बंद करना पड़ेगा और डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर? कौन सा डॉक्टर? फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट? ये हीरो बनने के चक्कर में उल्टा लेने के देने पड़ गए। यहाँ तो ऊपर शोल्डर ऊपर करो तो आ रहा है, वैसे हम चश्मा कैसे पहनेंगे? अटक गया है हाथ, वैसे पेट अंदर चला जाएगा ना। पेट की बात छोड़िए और आप ये ध्यान रखिए कि पहली बार में जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से आपकी पूरी बॉडी पर प्रेशर पड़ गया है, इसलिए अभी आपको 3 दिन तक कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। 3 दिन? अयो दादा, डॉक्टर साहब ये चल फिर तो सकेंगे ना? हाँ लेकिन 3-4 दिन बाद। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ। पेट काम करने के लिए? नहीं, दर्द काम करने के लिए। कैसा डॉक्टर है, पेट के लिए कोई दवा ही नहीं दे रहा है तो काम कैसे होगा? मैंने मंगवा ली। जी धन्यवाद। अच्छा तो मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। अयो दत्ता, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे तुम्हें तो कहा था कि अक्षय कुमार को देखो, 50 साल की उम्र का है लेकिन कैसे 40 के आसपास दिखता है। अयो दत्ता, हम तो ऐसे ही कह दिए थे और आप तो जानते हैं ना कि हमें अक्षय कुमार नहीं अमित जी पसंद है। तब तो कम से कम तुमको 30 साल इंतजार करना पड़ेगा अमित जी जैसा हमको बड़ी उम्र वाला दिखने के लिए। एक सच बात बताएं। हाँ। तो हम आपको बिल्कुल बदलना नहीं चाहते, आप जैसे हैं ना वैसे ही हमारे हीरो हैं।
अरे फिल्मी हीरो तो फिल्म के पर्दे पे हीरोगिरी झाड़ते हैं ना, आप तो हम सब के जिंदगी के असल हीरो हैं, असल जिंदगी के असल हीरो। तो क्या तुमको असल लाल पीला टमाटर चलेगा? हाँ पापा, आप ही हमारे असली हीरो हैं, क्योंकि आप ही तो हमें हर मुसीबत से बचाते हैं। जब मैंने चश्मा नहीं पहना होता, आप ही मुझे सही रास्ता दिखाते हैं। हाँ, और जब गाना गाते हुए मैं बेसुरी हो जाती हूँ, तब आप ही मुझे सुर सिखाते हैं। आप ही तो सर जो हमारे भाईगिरी और संस्कार के बीच में बैलेंस रखे हैं। सर पापा, आप ही ने तो मुझे सिखाया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी है। इसीलिए आप ही हैं हमारे असली हीरो। थैंक यू। लेकिन बेटा आप एक बात कहें, हमने आज तक तुम लोगों को बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन आज जिंदगी ने हमको सिखाया है कि किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, वरना देखो क्या हालत हो जाती है। सही कहा पापा ने, इन्होंने अति की, इसलिए ही तो इनकी दुर्गति हुई। डैडी, अब आप जल्दी से मम्मा को वही पोज में उठा के दिखाइए जैसे DDLG में शाहरुख खान ने काजोल को उठाया था। प्लीज ना। अरे जितना भारी डंबल हम वहां पर उठाकर आ रहे हैं ना, उसके बाद तुम्हारी मम्मी को उठाने के लिए कम से कम हमको 1 साल लगेगा।